था हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊं सर। प्रेशर झेल रही है मुझे सर, रो रो के कहती है पापा आप आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है सर। मेरा एक बसा बस आया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है सर। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ दुमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्चुनर गाड़ी मांग रहे हैं सर। सर यही आरोप लगाया थाने में सर। सर दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्चुनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है। और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम उरारी मौर्य के वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की हूँ। मुझे था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग लखनऊ में मिलते भी हैं, रात भर रहते हैं। हाँ तो सर मेरे आंखों से सर मतलब आंसू गिरने लगे और फिर मैंने अपने पत्नी से पूछा क्या ऐसी सही बात है, मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता था। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनकी चर्चा तब शुरू हुई जब उनके पति आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्योति एसडीएम बनने के बाद किसी और के साथ चली गई। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि ज्योति अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती हैं। मामले में फिलहाल जाँच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आलोक के आरोप कितने सही हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के ताबदले के चलते एक सप्ताह लेट हो गई। इस बाबत डीजीपी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य का कहना है कि मामले की जांच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को जाँच जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 से एक दूसरे के संपर्क में हैं। आरोप को लेकर मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर की गई चैट भी सार्वजनिक की थी। मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिले कमांडेंट के ताबदले के चलते अगले सप्ताह आएगी। डीजीपी ने कहा कि फिलहाल रिपोर्ट जाँच हो रही है, जाँच अधिकारी को निर्देश किया गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। कहीं न कहीं लोगों का मानना है कि अब बीबी को नहीं बेटी को पढ़ाएंगे, इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं ज्योति मौर्य के ऊपर। फिलहाल ज्योति मौर्य का साफ तौर से कहना है कि उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। क्या पूरा मामला हो पाता है, ये सारी चीज़ें जांच के बाद सामने निकल कर आएगा। फिलहाल अभी इस समय ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज पीजी न्यूज़।